नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और बेसिकली ये वीडियो जो है सो कैमरा का जो है सो मतलब कैसा है एलन टाइप का कैमरा, यही इसी के बारे में वीडियो। तो बेसिकली जब मैंने एलन टाइप लिया तो उसके ऊपर जो कैमरा है उसके ऊपर एकदम स्क्रैचेस था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा यार उसके पीछे का जो प्लास्टिक फिल्म होता है जो कवर करता है कैमरा को, बेसिकली उसको हटा के कैमरा टेस्ट करते हैं ताकि जो है जितना उसका क्लियर इमेज आ सकता है उतना आए। तो बेसिकली उसको जब हटाने लगे तो पता चला कि उसके ऊपर फिल्म भी है, मतलब पत्ता सा प्लास्टिक का फिल्म। तो उसको हटा तो थोड़ा सा क्लियर हो गया। और उसके बाद भी जो है सो जो उसका कवर था कैमरा का वो जो है सो प्लास्टिक का ही था, ठीक है। तो और जब उसके अंदर से देखे कैमरा को तो कैमरा का सेंसर थोड़ा बड़ा लग रहा था, एकदम नॉर्मल जो कैमराज आते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। तो हमको लगा कि इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक। तो गड़बड़ हो गया। तो जब मैं ऐसा कैमरा टेस्ट किया तो एकदम 2 MP का जो कैमरा आता था 2690 या 2700 ऐसे करके जो नोकिया का मॉडल सब आता था उसी के बराबर या उससे भी घटिया इमेज और वीडियो जो है प्रोड्यूस करता है हमारा, मतलब एलन टाइप। इवन HDR, वैसे भी HDR क्या उखाड़ लेगा जब उसका ओरिजिनल कैमरा ख़राब है। तो HDR तो थोड़ा सा साफ बना रहता है। तो बहुत ही कैमरा बेकार है। और क्या बताया, उसका सेंसर साइज थोड़ा बड़ा है, इससे लगता है कि वो कैमरा जो था उसमें लगा हुआ वो बहुत ही पुराना कैमरा उसमें लगाया गया है। किस ज़माने का कैमरा हमको पता नहीं, बहुत पुराना लगाया है। क्योंकि अभी का कैमरा जो आता है तो मतलब 8 MP या 13 MP उसका सेंसर भी उतना बड़ा नहीं होता जितना उसका था, लेकिन वो जो है सो क्लियर इमेज देता है आपका जो कैमराज आते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितना पुराना कैमरा था, मतलब उसमें बहुत ही पुराना कैमरा लगाया गया, बहुत ही ज़्यादा पुराना। तो इस वीडियो में कुछ खास है नहीं, 2 मिनट हो गया है। तो देखिए उस कैमरे का जो है सो वीडियो सैंपल और फोटो सैंपल। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। और मैंने एलन टाइप पे और भी बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पर चले जाइए, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस। तो देख सकते हैं आप कि मतलब इसका कैमरा कितना घटिया है। साइड में जो एकदम कॉर्नर है राइट साइड के एकदम अपर कॉर्नर पे एकदम इमेज ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये पिक्चर्स भी एलोवेरा का लिया गया है, एकदम घटिया है। और ये पिक्चर्स नॉर्मल मोड में है और देख सकते हैं आप इसका घटिया है। और उसके बाद थोड़ा HDR, ये पिक्चर थोड़ा HDR में है तो HDR में थोड़ा साफ आया है, लेकिन उससे भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और ये पिक्चर घड़ी का है तो उतना कुछ खास है नहीं इमेज क्वालिटी इसका। उसके बाद ये वीडियो सैंपल है, आप देख सकते हैं इसका जो है सो फ्रेम जो है सो क्या बोलते हैं उसको FPS बहुत ही लो है। मेरे ख्याल से 10 FPS के आसपास रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहे होंगे एकदम फ्लो नहीं है एकदम से वीडियो क्वालिटी में। ऊपर से ऊपर राइट कॉर्नर पे इमेज धुंधला है, पता नहीं क्यों आता है धुंधला, लेकिन आता है धुंधला। उसके बाद इसमें फ्रेम बहुत ही मतलब घटिया है, उसके बाद इमेज क्वालिटी तो है ही घटिया। और ऊपर से जो है सो फ्रेम के साथ साथ आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे इमेज कट रहा है, अगर आप गौर से देखिएगा तो इमेज कट रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। और इमेज स्टेबलाइजेशन का तो बात ही नहीं उठता है क्योंकि होगा भी नहीं। तो यही बेकार सा कैमरा था, उम्मीद करते हैं आपको बेकार सा कैमरा बढ़िया नहीं लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।